हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा सैमसंग का टीवी है, ठीक है। ये 43 इंच का टीवी है, 4K है, ठीक है। इसमें पिक्चर कैसा आ रहा है चालू करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए, पहले पिक्चर देख लीजिए। और इसमें कोई भी आदमी ना ब्लॉक करके ये पैनल हमारा शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। एक साइड शॉर्टिंग है लेकिन ये ब्लॉक करने पर नहीं चलता है। लेकिन मैं इस पैनल को चालू करके दिखा दूंगा। आप कोई भी पूरे YouTube पे देख लीजिएगा, इसका कोई भी एक वीडियो नहीं मिलेगा आपको। इसको सही करके कोई भी बंदा दे नहीं सकता, ये गारंटी हमारी है। वीडियो देखिए पूरा शुरू से लास्ट तक। इसमें पैनल कौन सा लगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, और मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, हमने टीवी को खोल रखा है, ठीक है। ये देखिए टीवी खुला हुआ है। इसका जो टिकोन है इसके अंदर इनबिल्ड है, मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ड है। और ये हमारा यहाँ स्केलर लगा हुआ पैनल अंदर है, ठीक है, अंदर साइड। ये हमारा मदरबोर्ड है। इसका जो स्ट्रिप है जो पैनल पे जा रहा है, एक भी वायर ये निकालेंगे ना स्ट्रिप तो टीवी हमारा चालू नहीं होगा। दोनों निकालेंगे तभी भी चालू नहीं होगा, चालू होकर बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, देखिए। पहले देखिए, फिर आपको बताता हूँ ये जो पैनल शॉर्टिंग रहेगा कैसे निकाल सकते हैं इस टीवी में। देखिए हमने टीवी चालू कर लिया, यहाँ देखिएगा। देखिए टीवी चालू हुआ लेकिन बंद हो जाएगा, अभी देख सकते हैं। यहाँ पे आगे तो कुछ आएगा नहीं, दिखा के भी कुछ मतलब नहीं है। यहाँ देखिए बंद हो गया, ठीक है। देखिए हमारा ये पावर ऑन है, फिर भी ऑफ करके ऑन कर दे रहा हूँ। देखिए हमारा टीवी अभी ऑन होगा, अब ऑन नहीं हो रहा है। देखिए अब ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ से फीडबैक पे ये जो है दोनों स्ट्रिप लगी है, फीडबैक अंदर से जाता है, फिर ये मदरबोर्ड हमारी चालू होती है, ठीक है। और मॉडल नंबर भी आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड। यहाँ देखिए बैक कवर खोल के रखा हूँ, ये मॉडल नंबर इसका। ये 4K टीवी है सैमसंग का, देख सकते हैं मॉडल नंबर। तो चलिए इसका प्रॉब्लम मैं बता दूँ आपको। देखिए फिर टीवी चालू हुआ, अभी अभी चालू हुआ था जस्ट, ऑटोमेटिक फिर बंद हो गया, बार बार रिस्टार्ट होते रहेगा। एक भी वायर इसमें से निकाल दिया ना तो टीवी चालू नहीं हो सकता हमारा। देखिए फिर चालू हुआ, बंद हो गया, झटके में चालू हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है। और ये जो हमारा पैनल शॉर्टिंग कर रहा था, अगर ब्लॉक भी करेंगे ना किधर भी, जिधर हमारा गेट का वोल्टेज जाता है, इसका तो इधर जा रहा है और इसका इधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए मॉइस्चर आया थोड़ा बहुत, ठीक है। ये दोनों साइड किधर भी ब्लॉक करेंगे तभी भी टीवी चालू नहीं होगा। तो आपको ब्लॉक करके भी दिखा दे रहा हूँ, उसका सलूशन भी बता दूंगा मैं, तो वीडियो पर बने रहे। चलिए दोस्तों पहले एक साइड का ब्लॉक करके दिखा दूँ। देख सकते हैं यहाँ हमारा गेट की वोल्टेज आती है, ठीक है। देखिए वाइट थैली लिया हूँ, जितना गेट का वोल्टेज निकलता है उतना ही ब्लॉक करना है। देख सकते हैं ब्लॉक हो गया, अभी भी टीवी चालू नहीं होगा हमारा। ठीक है टीवी ऑन कर दिया हूँ, यहाँ देख सकते हैं टीवी ऑन हो गया, फिर बंद हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, चालू नहीं होगा, ब्लॉक करने के बाद चालू नहीं होगा। अभी फिर से दिखा दो आपको, ठीक है। टीवी ऑफ कर लिया, यहाँ देखिए अभी हमारा टीवी तो चालू होएगा लेकिन प्रॉब्लम तो सेम रहेगा। प्रॉब्लम देखिए अभी टीवी चालू कर लिया, यहाँ देख सकते हैं अभी टीवी चालू होगा हमारा, स्टैंड बाय करना पड़ेगा। देखिए टीवी चालू हो गया हमारा, देख सकते हैं। देखिए टीवी चालू हो गया, यहाँ बैक लाइट दिख रही होगी आपको, ठीक है। देखिए टीवी हमारा ऑन है। पिक्चर भी दिखा दो आपको, एक मिनट, नहीं पिक्चर खराब आएगा। दोस्तों कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है, अपने हाथ ही से सब करना पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। देखिए टीवी हमारा ऑन है, देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारा वही है जो था पहले। चलिए बताता हूँ इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें और ब्लॉक भी करे तो हमारा टीवी बंद ना हो, ठीक है, रिस्टार्ट ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोबाइल होल्डर से पहले मोबाइल निकाल दो, एक सेकेंड दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक सेकेंड दिखा दो आपको दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे फीडबैक, ठीक है, ये जो कोड दिया है वन लिखा है, ठीक है यहाँ पे, और इसका जो ये देखिए कहाँ गया है, यहाँ पे गया है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है एरो, इसका यहाँ पे आया, यहाँ लिखा है फीडबैक, ठीक है, एक ये हो गया और एक यहाँ पे, एक मिनट, एक ये देखिए फीडबैक यहाँ थ्री ये दिया है, ठीक है, ये दूसरे वाले कनेक्टर पे है, ठीक है, ये पहले वाले पे, तो ये दूसरा वाले का ये जो है ना फीडबैक थ्री, यहाँ से एक जम्फर लेनी है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से एक जम्फर लेके और डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, समझ गए दोस्तों। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, नहीं देखिए मैं शॉर्टकट में बताऊंगा नहीं, जो बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा। देखिए यहाँ से जम्फर लेना है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है फीडबैक, जूम करके भी दिखा दो आपको, ये देखिए फीडबैक लिखा है यहाँ पे, यहाँ से जम्फर लेनी है आपको, एक जम्फर लेनी है, वायर लगाना है और इसको ये दूसरे वाले कनेक्टर के ये वाले पिन पे यहाँ पे ज्वाइंट कर देना, फीडबैक लिखा भी है यहाँ भी, वही कोड दिया है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थ्री लिखा है, यहाँ पे ज्वाइंट कर देना। तो चलिए फटाफट मैं वायर ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद बारी बारी दोनों ब्लॉक करके आपको दिखाता हूँ, कोई अदर चैनल पे नहीं मिलेगा ये गारंटी देता हूँ। मैं एक नया नया टिप्स एंड ट्रिक आपके लिए लाता रहूँगा इस चैनल पे। थोड़ा देखिए, देखिए दोस्तों हमने लगा लिया जम्फर, आपको जूम करके भी दिखा दूँ, देख सकते हैं जहाँ बताया था वहाँ जम्फर लगा लिया, देखिए दोस्तों जहाँ बताया था वहाँ से जम्फर लाया ये वायर, और देखिए यहाँ जम्फर लगा दिया, ठीक है। तो चलिए एक एक जो है, यहाँ हमारी गेट की वोल्टेज निकलती है यहाँ तक है, ये देखिए ये पेयर का नहीं, यहाँ तक ये रेजिस्टेंस जो लगा है ना ये यहाँ तक है, यहीं तक ब्लॉक करना है, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं इसका भी, ये अंदर से इसका ट्रैक जो है अंदर से गया है, देखिए ये रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ देख सकते हैं 100 के का लगा है, यहीं तक ब्लॉक करना है इसको भी, ठीक है, ये इधर साइड में नहीं करना है, इधर साइड में नहीं और इधर साइड में नहीं, ये हमारा गेट का इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक साइड में ब्लॉक करके दिखाता हूँ, चलिए यही साइड ब्लॉक करता हूँ मैं पहले। दोस्तों टीवी हमारा ऑफ है, आपको भी ऑफ कर लेनी है, नहीं तो फिर हमारा मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। ये देखिए ब्लॉक कर लिया, अभी टीवी को ऑन करता हूँ, टीवी में पावर देता हूँ पहले, देखिए गया यहाँ बैकलाइट जल गई, अभी वो सैमसंग लिखा होगा, फिर वापस यहाँ देखिए बैकलाइट जल रही है, थोड़ा स्लो जलेगा, अभी पिक्चर लगेगा तो तेज चलेगा, देखिए टीवी हमारा ऑन हो गया, ठीक है, अभी पिक्चर देखते हैं। देखिए अभी हमारा पिक्चर नहीं आ रहा है, देखिए खराब आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ लेकिन टीवी चालू हो गया, ब्लॉक करने के बाद भी टीवी चालू हो रहा है, तो अब दूसरे साइड ब्लॉक कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम जहाँ ब्लॉक किए थे अब दूसरे साइड ब्लॉक कर लेंगे, ये साइड टीवी ऑफ कर लिया, अभी देखिए वो संभाल के निकालनी है नहीं तो हमारे जो एचडी पे खराब हो जाएगा। देखिए कहाँ तक ब्लॉक किया हूँ, रेजिस्टेंस के पास तक, देखिए हमारा ब्लॉक हो गया, फिर टीवी चालू किया, यहाँ देख सकते हैं टीवी ऑन हो गया है, अभी देखिए कुछ आया नहीं, देखिए देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट इसको टीवी को पहले सीधा करता हूँ, पिक्चर लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, पिक्चर हमारा कैसा आ रहा है सब दिखाता हूँ आपको। देखिए चलिए पहले पिक्चर लगाता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ दोस्तों, अभी वीडियो में बने रहे, और भी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। इसका पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं, देखिए एकदम क्लियर है, कहीं से भी देख सकते हैं आप, ठीक है, ब्लॉक करने के बाद भी एकदम क्लियर है, 4K टीवी है हमारा, 4K पैनल भी है, देख सकते हैं,
ठीक है, दूर से भी दिखा दो, एकदम क्लियर है हमारा टीवी। और दोस्तों ये देखिए हमारा ये, अगर आप मैकेनिक हो तो ये टाइप का रिमोट आपके पास नहीं है तो ये रिमोट ज़रूरी है, क्योंकि ये लगभग बहुत सारे टीवी में चलता है। और चलाने का तरीका बता दूँ, देखिए ये सात का है तो इसको दबा कर रखेंगे ना, ये या सोनी का है, देखिए ये सोनी का है तो दबा कर रखेंगे तो ये लाइट ब्लिंक हो के देखिए क्या हो रहा है। देखिए अभी ये सोनी पे चलेगा, इस पे नहीं चलेगा, देख सकते हैं इस पे नहीं चलेगा, ठीक है। ये सैमसंग का है तो सैमसंग का दबा के रखिए, यहाँ लाइट है देखिए कैसा आ रहा है। देखिए अभी ये सैमसंग पे चलेगा, देखिए यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सैमसंग का तो सैमसंग पे चलेगा, जो बटन है वो दबा कर रखेंगे, यहाँ भी सारा बटन दिया है। और बाकी जो कंपनी इस पर लिखा नहीं है, ठीक है दोस्तों, जो लिखा नहीं है इसके ऊपर वो चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो सेट का बटन है और पावर का, ये दोनों एक साथ प्रेस करना पड़ेगा एक बार झटके में। देखिए अभी तो ये हमारा टीवी ऑफ हो गया, ये दब गया तो, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ लाइट जल रहा है कंटिन्यू, खाली वॉल्यूम जो है ना वॉल्यूम दबा कर रखना है एक एक बार, ठीक है। जो टीवी पे जैसा, ये टीवी पहले चालू कर लेते हैं एक बार, अभी तो चालू भी नहीं होगा, रिमोट पेयर मोड में चले गया। ये वॉल्यूम दबाना है आपको, ठीक है, जब भी ये आपके टीवी पे चल जाए एक एक बार दबाना है इसे, जब टीवी पे आपके चल जाए तो उस पर छोड़ देना है, ठीक है। अगर एक बार ज़्यादा दबा दिए तो एक बार पीछे कर लेना, जब वॉल्यूम का बटन आ जाएगा टीवी पे डिस्प्ले दिख जाएगा आपको, तो देखिए सेट वाला बटन आपको दबा देनी है, सेट हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। अदर कोई कंपनी में, जो इस पे लिखा नहीं है वो कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये मार्केट में मिल जाए तो आप ले सकते हैं। देखिए इसका मॉडल नंबर दिखा दूँ, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसका जो लिंक है वो दे दूँगा, आपको मिल जाएगा। नहीं भी रहेगा अगर ऑनलाइन भी तो मैं यहाँ से कुरियर भी करा दूँगा आपको, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा, वहाँ जाके पर्सनल मैसेज करिएगा मुझे, ठीक है, ग्रुप में मत कीजिएगा, उसमें से जाके और जो एडमिन रहेगा यानी मैं, तो मुझे मैसेज करिए ये रिमोट के लिए, तो मैं आपको जो है कुरियर भी करवा दूंगा अगर आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है तो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा दोस्तों। दोस्तों मिलते